हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और कैसे हो आप सब लोग आई होप सब बढ़िया होंगे भले चंगे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं और देखिए मेरी आजकल क्लीनिंग चल रही है घर की तो घर मैंने क्लीन कर लिया और मैंने किचन का भी नंबर अपना ले लिया तो यहाँ पर मैं किचन भी आज अपना ले बैठ गई मैंने कहा चलो क्लीन कर लेते हैं कई दिन हो गए और वैसे भी अब मुझे घर भी जाना है तो इस वजह से मैं एक बार अपना घर क्लीन करके और तब जाऊंगी हालांकि आके तो मुझे करना ही पड़ेगा दोबारा से लेकिन फिर भी एक बार रहना मैं कर लेती हूँ क्लीन तो यहाँ मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो कर लेते हैं एक बार तो आज सुबह सुबह मैं लग गई थी यहाँ पर ये लोगों को मैं दे दी थी खाना वाना तो ये चले गए थे थोड़ा बहुत काम मैंने सुबह कर लिया था तो यहाँ ये बर्तन स्टैंड है ना जो मैं क्लीन कर रही थी थोड़ा सा पोंछ के नहीं और फिर बर्तन साथ के साथ में मैं लगा दे रही थी यहाँ पे तो वैसे तो क्या है कि इतना मतलब ये था कि एक बार क्लीन हो जाए तो चीज़ें सेट हो जाएंगी हालांकि मुझे पता है मैं घर से आऊँगी तब तक मुझे मतलब बिखरा ही मिलेगा थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत तो होता ही है और फिर मैं अब शादी है आपको बताइए मेरे देवर की शादी है तो मैं वहाँ जाऊँगी तो अभी मेरा प्लान है इस मतलब इसी महीने में जाने का प्लान है तो तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद फिर पैकिंग वैकिंग शुरू करेंगे कुछ शॉपिंग भी थोड़ा बहुत है ना करनी है सर्दियाँ हैं उधर तो गर्वी के लिए सर्दियों का कुछ कुछ लेंगे वैसे तो ज़्यादा कुछ इधर मिलता नहीं है सर्दियों का मतलब बुलन इतना हैवी वाला बुलन यहाँ पर नहीं मिलता है जो राजस्थान में जितनी ठंड पड़ती है ना उस हिसाब का बुलन तो इधर नहीं मिलता है तो वहाँ पर से मैं ले लूँगी और बाकी का जो थोड़ा सा डेली में पहनने का उसका फुल बाजू के लिए और सॉक्स वगैरह है तो वो देखूँगी जितना कुछ उसका मिल जाएगा कैब वगैरह क्योंकि वहाँ तो टोपा वगैरह लगाना कंपलसरी होता है इतनी भयानक ठंड रहती है जनवरी फरवरी में तो उधर तो उतना मैं गारवी के लिए लूँगी गारवी के लिए ही है ना मुझे बुलन लेना पड़ता है क्योंकि वो बढ़ती हुई है ना तो फिर उसके छोटे हो जाते हैं हर साल छोटे हो जाते हैं तो इस वजह से लेना पड़ता है हम लोगों के पास रखे रहते हैं तो इतना हम लोग नहीं खरीदते हैं तो बस गारवी का ही मुझे बुलन थोड़ा बहुत लेना है थोड़ा मैं जब सगाई के टाइम पे गई थी तब उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो मैंने ले लिया था लेकिन अभी और थोड़ा सा लेना है तो उसके लिए लूँगी तो यहाँ पर देखिए ये डब्बे वगैरह मैंने पहुँच के ना लगा दिए हैं साफ़ रहते हैं क्योंकि जब मैं खाली होते हैं तो साफ़ करके ही भरती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर से मैंने पहुँच दिया और ये मैंने ना इधर आटे की पन्निया लगाई हुई हैं तो ये एकदम साफ़ रहती हैं पेपर गंदे हो जाते हैं ये बहुत सही लगा मुझे ये ना साफ़ रहती है और इनको गीले कपड़े से पहुँच दो तो ठीक रहती है तो इनको मैंने सबको गीले कपड़े से एक एक बार पहुँच दिया है और डब्बों को भी मैंने पहुँच दिया है साथ में मैं ना यहाँ पर भी इस तरह से ही पहुँच के डब्बे पहुँच पहुँच के मैं सब लगा दे रही हूँ थोड़ी सी क्लीन हो जाते हैं गीले के कपड़े सरफ का कपड़ा मैंने जो लिया हुआ है उससे थोड़ा सा मैं पहुँच पहुँच के लगा दे रही हूँ वैसे यहाँ पे आने के बाद मुझे एक सुख तो है कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है किचन है या फिर जो भी रूम वगैरह हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाती है साफ़ करनी पड़ती हैं धूल मिट्टी जम जाती है उतना कुछ यहाँ पर नहीं होता है ये तो मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए ना करती ही रहती हूँ क्लीनिंग थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि हाँ चलो हो गई साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है इस वजह से लेकिन यहाँ पर है ना इतना मतलब ख़ास गंदा होता नहीं है मेरा घर बहुत साफ़ रहता है एकदम पैक बंद है ना और वैसा कच्चा काम है नहीं बाहर की कच्चा हो कुछ तो धूल मिट्टी उड़ती है कुछ भी और आस पड़ोस में है न चारों तरफ मतलब चारों तरफ ही है ना मकान बने हुए हैं आगे पीछे साइड में तो ना बिल्कुल भी धूल मिट्टी आने का काम नहीं होता है और ज़्यादातर मेरी है ना शीशे वाली खिड़कियाँ लगी रहती है क्योंकि यहाँ पर ठंडी रहती है गर्मी तो रहती नहीं है कि मुझे खिड़कियाँ खोल के रखनी पड़े तो ठंडी की वजह से ना है ना यहाँ जो शीशे वाली खिड़कियाँ हैं ना वो बंद रहती हैं तो धूल मिट्टी अंदर आती ही नहीं है बिल्कुल भी मतलब डब्बे वगैरह एकदम क्लीन रहते हैं ये डब्बे देखिए ये जब मैं लेके आई थी दो तीन चार महीने दो महीने हो गए मतलब दिवाली के लाई थी दो महीने हो गए हैं ये मेरे खाली ही नहीं हुए थे क्योंकि इनमें ज़्यादा सामान भरा हुआ था दो दो किलो ढाई ढाई किलो सामान आता है इनमें तो एक साथ जब मैंने ये लाई थी ना तो मैं डीमार्ट से सामान इकट्ठा लेके भर ली थी तो ये मैं हर बार अभी पहुँच के लगा देती हूँ उसके बाद मैंने ये मतलब खाली ही नहीं हुए कि मैं इनको साफ़ करूँ लेकिन एकदम साफ़ रखे हैं बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं हुए हैं और ये ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं जो मैं यहाँ पर एक जैसे मैंने मंगाए हुए थे तो ये मैं यहाँ पर लगा देती हूँ क्योंकि इसमें इतना सा ही स्पेस है कि ये छोटे वाले डब्बे आते हैं उधर तो वहाँ पर मैंने छोटे वाले डब्बे लगा दिए और यहाँ पर ये थोड़े कुछ मसाले हैं ये डब्बे अलग थे वो कम पड़ गए थे मैंने जो डब नए डब्बे मंगाए थे तो ये एक जैसे डब्बे मेरे पास थे तो फिर मैंने और नहीं मंगाए थे तो इन्हीं में मैंने कहा चलो रैक में कुछ ज़्यादा दिखते नहीं हैं और ये एक जैसे ही हैं गोल डब्बे हैं ये तो इनमें मैंने अपने मसाले वसाले भरे हुए हैं जो कम यूज़ होते हैं क्योंकि मसाला दानी में रहते हैं कभी मसाला दानी ख़त्म होती है तब भरना होता है तो अचार के डब्बे मसाले वगैरह सब वो मैं इधर रखती हूँ जो कम यूज़ होते हैं ये ऊपर के अलग डब्बे हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं इनको ऊपर सेट नहीं करती हूँ तो यहाँ पर ये मैंने ये लगा रखे हैं और इनको एक बार पहुँच पहुँच के सबको ना मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी सारी रैक वगैरह हैं नीचे पेपर लगाए हुए हैं मैंने इसमें भी तो इनको मैं सबको रख लूँगी यहाँ पर मैंने अपनी क्रॉकरी रखी हुई है थोड़ी सी कफ़ वगैरह है जो नए कफ आ, मैंने अलग से कॉफ़ी मग वगैरह जो मंगा रखे हैं कोई आता है तो फिर नए कफ निकालने पड़ते हैं तो वो मैंने इस तरह से यहाँ लगा दिए क्योंकि पहले डब्बों में रखे रहते थे ना कोई आता था तो पूरा सामान फैल जाता डब्बे निकालो फिर निकालो फिर वापस रखो तो अभी मैंने इसमें सेट कर दिया है कि तुरंत धोके यहाँ रख भी सकते हैं और जब जरूरत हो तो तुरंत रैक खोल के निकाल भी सकते हैं तो इस तरह से मैंने अभी है ना सेट कर दिए हैं यहाँ पर वैसे मुझे चीज़ें किचन में मेरी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई हैं जैसे डिनर सेट वग़ैरह भी है सब ऊपर है ना किचन के ऊपर भी फर्नीचर लगा हुआ है ना ऊपर जो ऊपर वाले ड्रॉर बने हुए हैं ऊपर तो वहाँ पर है ना मेरा बहुत अच्छे से सेट हो गया जब भी कुछ होता है मैं तुरंत से निकाल लेती हूँ तुरंत ही वहाँ पर रख देती हूँ तो फैलता नहीं है पहले बेडों में रखा रहता था तो बहुत दिक्कत होती थी तो यहाँ पर है ना चीज़ें काफ़ी अच्छे से सेट हो गई हैं कि जब निकालनी हो तो फटाफट किचन में निकल जाती है फिर रख भी सकते हैं फैलना नहीं होता है कि एक एक सामान हटा के निकालो फिर रखो फैलाओ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर चीज़ें अच्छे से एक एक जगह पर सेट हो रखी हैं किचन में बट इतना ही है कि अभी जितना मेरे पास सामान है ना वो अच्छे से सेट हो गया अब मैं कुछ एक्स्ट्रा खरीदूँ तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि किचन एकदम भर गया है फुल हो गया है तो कुछ भी सामान सेट नहीं हो पाएगा मैं माइक्रोवेव लेने की सोच रही थी लेकिन किचन में ना जगह नहीं है और फिर इसलिए भी कि है ना चीज चीजें फिर है ना गर्म करने की आदत पड़ जाती है उसी में गर्म करते हैं जो नुकसान करती है अगर डायरेक्ट माइक्रोवेव में गर्म करूँ तो कि घर में होता है तो फिर वो यूज़ होता ही है और हर चीज़ गैस पर गर्म करने का फिर आलस ही आता है उसी में गर्म करने के लिए सोचते हैं और फिर मैं इस वजह से लेने को तो ये कि फ्रिज के ऊपर रखने में आ जाएगा माइक्रोवेव फ्रिज के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर बाहर जो हॉल में थोड़ा सा बना हुआ है जहाँ मैंने स्पीकर लगाया हुआ है वहाँ पर भी माइक्रोवेव रखने में आराम से आ तो सकता है बट मैं यही सोची थी थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा अगर फ्रिज के ऊपर रखा तो तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आलस मार रही हूँ माइक्रोवेव लेने का बाकी तो वैसा कुछ तो ऐसा बनता नहीं है बस पिज्ज़ा वगैरह है जो बना लो उसमें और तो क्या बाकी चीज़ें गर्म करने के लिए तो फिर वो मुझे सही नहीं लगता कि माइक्रोवेव में हर चीज़ गर्म करके खाओ वो नुकसान ही करती है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रही थी और यहाँ पर देखिए इस वाले में मैंने सिलेंडर रखा हुआ है तो मैंने निकाला नहीं सिलेंडर को साइड करके ही मैंने उसमें झाड़ू लगा दिया था थोड़ा सा और पोस दिया था उसको कपड़े से तो यहाँ पर इनको मैंने अभी टिफ़िन वगैरह बना दिया है ये लोग जाएंगे अभी ऑफ़िस तो चले जाएंगे खाना मैंने पैक कर दिया था तो मैं अपना काम करने लग गई थी तो यहाँ पर देखिए ये हो गया है और ये जूसर मेरा अब कुछ काम नहीं आ रहा है अभी कम मतलब ना यहाँ पर मौसमी मिलती भी नहीं है तो वो जूसर कुछ काम ही नहीं आ रहा वैसे भी मैंने ये सुजाता वाला जूसर मंगा लिया है तो अभी उसी से काम चल रहा है और यहाँ पर ये यह आटे की टंकी वाला है इसको मैंने पिछली बार भी साफ़ नहीं किया था ऐसे ही कर दिया तो इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है तो इसको मैं आज पूरा हटा के और तब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आटा वगैरह निकालते हैं ना तो थोड़ा सा गिर ही जाता है आटा कितना भी सेफ्टी से निकाल लो लेकिन फिर भी गिर जाता है थोड़ा बहुत तो।, तो आज मैं इसको पूरा निकाल के तब अच्छे से क्लीन कर रही थी तो इसमें ना सबसे ज़्यादा कचरा निकला है काफ़ी क्योंकि इसमें ना क्या साइड में ना थोड़ा सा खराब हो रहा है तो उन लोगों ने ना यहाँ पर लकड़ी लगा रखी है तो वो लकड़ी भी क्या झड़ जाती है क्योंकि साइड में सिंक है ना तो थोड़ा पानी का उस पर आ जाता है सीलन टाइप का तो लकड़ी झड़ती है उधर थोड़ा सा शायद यहाँ का फर्नीचर पन्ण, खराब हो रखा है तो उसमें ना लकड़ी ऐसे ही टुकड़ा लगा के सेट कर रखा है उसको तो इसी वजह से मैंने इसमें ये कार्टून वाला कवर लगाया हुआ है ये टाइट भी है और इसमें आटे की टंकी रखी रहती है ना तो फिर पेपर लगाते हैं तो आटे की टंकी को आगे पीछे करते हैं तो पेपर तो फट जाता है खराब हो जाता है पतला रहता है तो ये मैंने ना कार्टून जब मैं शिफ्ट हुई थी तो बहुत सारे कार्टून आए थे ना तो तभी मैंने इसमें ना कार्टून लगा दिया था तो इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसको तो झाड़ भी सकते हैं कार्टून के मतलब ऊपर से भी झाड़ सकते हैं इसको तो ये देखिए फ्रिज क्लीन किया था और फ्रिज में मैंने ना वो मटर रखी हुई थी सफल मटर तो उसकी वजह से देखिए कितनी सारी है ना आइस जम गई तो आज मैंने फ्रिज से पूरा फ्रिज क्लीन किया आइस निकाली है फ्रिज की यहाँ पर तो बहुत सारी आइस जम गई थी मैंने उसको डिफ़ॉल्ट किया हुआ था दो दिन से दो दिन में जाके इतना ये ढीला पड़ा था फिर आज मैंने इसको चम्मच से करके निकाला क्योंकि अगर नहीं निकालती ना तो तीन चार दिन में जाके ये पानी पानी हो जाता फिर पानी नीचे फ्रिज के फ्रिज का जो नीचे वो टंकी है पानी की वो भर जाती है जो बॉक्स है वो वो फैलता रहता है नीचे इसलिए मैंने इसको आइस को ऐसे ही है ना चम्मच से क्योंकि ढीला तो हो गया था तो चम्मच से मैंने उसको निकाल दिया था ताकि फ्रिज है ना फिर ठीक हो जाए नहीं तो नीचे पूरा भर जाएगा तो फिर पानी किचन में आता रहेगा तो देखिए कितनी सारी आइस जम गई ठंडी भी है ना यहाँ पर अभी तो इस वजह से भी ज़्यादा जम गई है तो यहाँ पर मैंने टाइल्सों को पहुँच दिया है कपड़े से और अब आ जाती है बारी इसकी स्टैंड की साफ़ करने की तो इस इसमें थोड़ा सा चिकना आ जाता क्योंकि है क्योंकि तेल वेल की बॉटलें रखते हैं ना तो इसको थोड़ा सा करती इसको तो मैं कभी भी करती रहती हूँ डेली वेयर में भी मैं रोज़ काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ ना तो तब फटाफट से कर देती हूँ क्योंकि इतना सा सामान रखा है फ़टाफट निकाल के फिर पोच पोच के मैं जमा देती हूँ इसमें क्योंकि तेल वगैरह रहते हैं ना तो फिर थोड़ा सा रहता है गंदा हो ही जाता है और मसालादानी वगैरह भी रखी हुई है इसका रोज का काम रहता है सारे दिन का निकालना करना वैसे भी मेरा आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम टाइम जाता है मेरा और क्या मैं करती भी क्या हूँ उसके बाद तो मतलब घर की साफ सफाई की उसके बाद किचन में ही लगी रहती हूँ कभी चाय कभी नाश्ता कभी रोटी कभी सब्जी कभी तो मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरा किचन में ही जाता ही है तो यहाँ पर देखिए मसाला दानी भी मैंने साफ़ कर दिया मसाला दानी को वैसे मुझे धोना है कई दिन हो गए धोने के लिए मैं हम बार बार इसको अभी दो तीन बार से ऐसे पहुँच के ही रख दे रही हूँ लेकिन वही रहता है कि मसाले मुझे वापस डब्बे में डालने पड़ेंगे सारे उसके बाद धोने में होगी क्योंकि कोई ना कोई मसाला भरा ही रहता है तो यहाँ पर ये चम्मच स्टैंड है जो मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया है क्योंकि हाथ में इसमें नहीं देती कट जाता है एक बार तो ब्रश रखी हुई है ब्रश से मैंने इसको क्लीन करके कर, उसमें फिर से चम्मच स्टैंड वगैरह लगा दिए हैं और यहाँ पर ये कप स्टैंड है तो इसको भी मैं थोड़ा सा कर देती हूँ क्लीन और कपों को सेट कर देती हूँ ये डेली वेयर के कप है जितने हमारे यूज़ होते हैं जितने हैवी भी कौन है हम तीन लोग हैं गारविक का तो उसका अपना अलग कप है और हम दोनों के लिए जो ये तो रहते ही नहीं है तो सैटरडे संडे में ही मतलब रहते हैं लेकिन चाय वगैरह सैटरडे संडे में ही लेते हैं घर में होते हैं तब बाकी तो ऑफिस में ही चलता है इनका सारा तो मेरा ही रहता है बस शाम की कॉफ़ी चाय का तो यहाँ पर अभी आ जाती है की बारी तो यहाँ ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा गंदा रहता है उसको हालांकि मैं कितनी बार भी पहुँच लेती हूँ जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ ना हर बार नीचे से तो मैं साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा गंदा हो ही जाता है क्योंकि चिकने बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं और एक प्रॉब्लम यह है कि मतलब यहाँ पर किचन में गीजर नहीं है और लगाने की जगह भी नहीं है और पूरा मतलब फिटिंग करवाना पड़ता है अगर गीज़र अपना खुद का लेके भी लगाएं तो, तो इतना इसमें जगह स्पेस इस भी नहीं है तो यहाँ गर्म पानी नहीं आता तो चिकने बर्तन भी मतलब थोड़े ऐसे हो जाते हैं थोड़ा सिंक चिकना भी हो जाता है गर्म पानी की सुविधा नहीं है मतलब किचन में ये है लगा भी नहीं सकते हैं कई बार होता है ना कि घी वगैरह के बर्तन साफ़ कर लो तो मैं ऐसे ही पानी गर्म करके और कर देती हूँ फिर गैस पर पानी गर्म करके तो यहाँ पर मतलब है भी नहीं कि खुद का भी लगाएँ तो छोटा किचन है तो सेट हो नहीं पाएगा क्योंकि आर लगा हुआ है उधर तो फिर दिक्कत ये है तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं क्या साथ के साथ में फ्रिज हालांकि फ्रिज मैंने अभी किया था लेकिन ये पानी हो गया था ना फ्रिज में बर्फ़ जम गई थी आइस जम गई थी तो इस वजह से फिर मैंने पूरा मैं क्या आज मैं सारे कवर ववर हटाई देती हूँ ये दिवाली पे लगाए थे वही कवर है नया कवर जो मैंने लिया था तो अभी मैं दोबारा से दूसरा जो पहले लगाती थी ना वही साफ़ सुथरा रखा हुआ है धुला हुआ तो मैं कहा आज मैं सारे कवर वगैरह इसके भी हटा देती हूँ जब किचन प्रॉपर तरीके से मैंने साफ़ किया है तो ये भी पूरा चेंज कर देती हूँ तो यहाँ पर है ना पूरा पानी पानी हो गया था फ्रिज में दो दिन से मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया हुआ था तो इस चक्कर में फिर मैं इसको क्लीन करने लग गई तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज अंदर से क्लीन कर दिया है सामान निकाल दिया था और ये मैं यहाँ पर कवर चेंज कर दिए हैं सारे वो मैं वॉश करके नहीं सुखा दूंगी छत पर धूप में सूख जाएंगे कुछ फटाफट से पाँच दस मिनट लगते हैं उनको सूखने में ज़्यादा टाइम मिल लगता है धूप लग जाएगी तो सही रहेगा तो यहाँ अभी मैंने डब्बे वगैरह हैं ये इसमें इन सब डब्बों में मैं ना वही अपना जैसे कि धनिया है धनिया पत्ती वगैरह का है कंटेनर में पैक करके रखते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है मटर वगैरह है मैं छील के रख लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने के टाइम मेरे से नहीं छीलती है तो मैं पूरी मटर वगैरह छील के रख लेती हूँ करी पत्ता है सब ये मैं कंटेनरों में पैक कर करके फ्रिज में रख देती हूँ तो ये बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं अच्छे बने रहते हैं कई दिनों तक तो यहाँ पर करी पत्ता धनिया तो फिर भी जल्दी ख़त्म ही हो जाता है फिर आ जाता है फ्रेश धनिया लेकिन करी पत्ता मेरा कई दिन तक चल जाता है तो यहाँ पर देखिए फ्रिज में मैंने सामान सेट कर दिया है और अब ये फ्रिज के ऊपर से भी मैं इसको साफ़ कर दूँगी ये कवर वगैरह सब हटा दूँगी और फ्रिज को पहुँच के नहीं अच्छे से क्लीन करके और सारी टाइल्स हैं जो साइड की वो पहुँच लूँगी और फिर मैं यहाँ पर अब है ना ये नया फ्रिज का नया नहीं मतलब ये जो पहले मैं यूज़ करती थी वही वाला फ्रिज कवर मैं लगा दूँगी नया वाला तो वो था जो मैंने हटाया था तो ये वाला मैंने लगा दिया है थोड़ा सा ना आँखों को भी अच्छा लगता है चीज़ें चेंज होती रहती है ना तो एक एक चीज़ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो चेंज हो गया कुछ तो चेंज हो गया कपड़े ये सब चेंज कर दिए तो तो यहाँ पर अब मैं ही सारे डब्बे वगैरह हटा दिए हैं फ्रिज को भी मैंने खाली कर दिया है ऊपर से और अब लगा लूँगी झाड़ू तो देखिए किचन की अभी क्लीनिंग तो पूरी अच्छे से हो गई है और ये देखिए फ्रिज में से जो पानी निकला था ना तो यहाँ पर मैं पोचा यहाँ पर मैं झाड़ू मार रही थी तो पानी पानी हो गया था उधर साइड में कॉर्नर में थोड़ी सी जगह फ्रिज में से तो फिर मैं इसको ना ये वाले पोचे से मैंने कहा चलो ये ड्राई हो जाता है ना इसमें तो पानी इसी से निकाल कर उसको ड्राई कर रही थी सारा पूरा पानी क्योंकि फ्रिज तो मैंने बर्फ तो आइस तो निकाल दिया अब निकलेगा नहीं पानी तो पीछे का डब्बा है ना वो भर गया होगा और ये फ्रिज ऊपर रखा हुआ है पहले जब था ना वहाँ पे तो मैं इसको खिसका के और उसके जो पेज लगे हुए हैं मैं खोल के उसके पानी निकाल के उसको साफ कर देती थी लेकिन अभी ये फ्रिज थोड़ा सा क्या है नीचे ऊपर रखा हुआ है किचन का जो फर्श है ना उससे थोड़ा सा ऊपर है तो ये आगे नहीं खा सकता है इसको दो जने चाहिए होते हैं इसको बाहर निकाल के फिर होता है तो अब इसके बाद बस घर का झाड़ू पोछा करके मैं नहाने जाऊंगी तो फ्रेंड्स झाड़ू पोछा करके नहा ली हूँ और घर की पूरी की क्लीनिंग हो गई है अभी घर भी साफ हो गया और किचन भी आज मेरा पूरा क्लीन हो गया है इसके बाद अब करेंगे थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग शादी की तैयारियाँ करनी है पैकिंग करनी है तो इसलिए मैंने पहले ये काम ख़त्म कर दिया था अपना तो फाइनली एक बार मैं आपको अपने किचन का लुक दिखा देती हूँ लगाने हैं वहीं लगाए हैं और जो भी है काउंटर टॉप वगैरह पे जो चीज़ें रखनी होती है वहीं मैंने रखी है चेंज करने का कुछ है नहीं क्योंकि मैंने पूरा दिवाली पे ही सारा मेकओवर किया था किचन का तो सब कुछ उसी टाइम मैंने चेंज कर दिया था अभी तो, तो सब कुछ बस वही है कि रोज जो अपनी क्लीनिंग है मैं हर मतलब महीने में दो या तीन बार तो किचन तो हो ही जाता है इस तरह से पूरा सामान हटा के बाकी तो डेली मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा तो चलिए फ्रेंड आज इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए मैं फिर से मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर